जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉस ए एक्स अपॉन एक्स और साइन ए एक्स अपॉन एक्स का एंगल ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन एक्स और दूसरा दिया हुआ है आपका साइन ए एक्स अपॉन एक्स। और यहाँ पे आपको जो ऑर्डर दिया हुआ है वो है b बराबर जीरो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी इनका एंगल ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है आपको, तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ए एक्स क्या होता है, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, जहाँ पे ये होता है अपना रियल पार्ट और ये होता है अपना इमेजनरी पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि एक तो कॉस ए एक्स का हमें एंगल ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और एक साइन ए एक्स का एंगल ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करूँ तो हम एंगल ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं कॉस ए एक्स अपॉन एक्स का, और जब भी हम कॉस ए एक्स अपॉन एक्स का एंगल ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो उसमें हम रियल पार्ट को यूज़ लेंगे, और जब भी हम साइन ए एक्स अपॉन एक्स का एंगल ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तब हम इमेजनरी पार्ट को यूज़ लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले अपना एंगल ट्रांसफॉर्म जैसे ये एच और ऑर्डर क्या है यहाँ पे जीरो, तो एच नॉट एंगल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर जीरो, फंक्शन क्या दिया हुआ है कॉस ए एक्स अपॉन एक्स विद पैरामीटर पी, कितना हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखो फंक्शन किसका है एक्स का है और पैरामीटर क्या दिया हुआ है आपको पी, तो ये हो गया एक्स जे जीरो पी एक्स, और एफ ऑफ एक्स कितना है कॉस ए एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पे आ गया डी एक्स। यहाँ पे देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया एंगल ट्रांसफॉर्म ऑर्डर जीरो कॉस ए एक्स अपॉन एक्स विद पैरामीटर पी, कितना हो गया जीरो टू इन्फिनिटी जे जीरो पी एक्स कॉस ए एक्स और यहाँ पे आ गया डी एक्स। ठीक है ना, वैसे मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया था ये जे जीरो पी एक्स कॉस ए एक्स और डी एक्स क्या होता है, इसमें दो कंडीशंस बनती हैं, एक तो होता है वन अपॉन रूट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक होता है जीरो। ये कब होता है जब पी का मान क्या हो जीरो, मतलब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो पी का मान हम कुछ भी लें बट वो ए से बड़ा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अगर हम ए से छोटा ले लेंगे तो यहाँ रूट में नेगेटिव आ जाएगा और रूट में हम नेगेटिव यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते। तो सबसे पहले देखो अगर पी ए से बड़ा है तो ये आ जाएगा, और अगर पी हमारा जीरो और ए के मध्य में है तो क्या मान लेंगे हम जीरो। अब इनको फाइंड कैसे करेंगे तो देखो मित्रों, बात करें इसकी कॉस ए एक्स, तो मैंने आपको बताया था ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ए एक्स क्या होता है कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। बात करें कॉस ए एक्स की तो ये क्या हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं देखो रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ क्या हो गया जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ए एक्स जे जीरो पी एक्स और यहाँ पे आ गया डी एक्स। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इसका हमने रियल पार्ट ले लिया कॉस ई एक्स के लिए, अगर साइन एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ। अब देखो ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स जे जीरो पी एक्स का मैंने आपको रिजल्ट बताया था, क्या था वो वन अपॉन रूट ये इस तरह था जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस ए एक्स जे जीरो पी एक्स डी एक्स, कितना था वन अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या है आयोटा ए, तो यहाँ पे कर देंगे हम
आयोटा ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन रूट टी स्क्वायर, एक तो हो गया आयोटा स्क्वायर और ये हो गया इसमें ए स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस ए स्क्वायर। तो बात करें इसकी कंडीशन की, तो हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर जीरो कॉस ए एक्स अपॉन एक्स विद पैरामीटर पी, दो कंडीशन बन गई, वन अपॉन रूट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कब, जब पी क्या हो ए से बड़ा, और ये हो गया जीरो जब पी क्या हो जीरो से ए के मध्य में, ठीक है ना। अगर आप बात करें हम साइन ए एक्स अपॉन एक्स की, इसको मैं हटा दूं, तो साइन ए एक्स अपॉन एक्स वही ऑर्डर जीरो है अपना, एंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर जीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स विद पैरामीटर पी कितना हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स जे नॉट पी एक्स, और यहाँ पे आ गया क्या, फंक्शन क्या है अपना, साइन ए एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स, ठीक है। एक्स से एक्स गया, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे बच गया क्या, जीरो टू इन्फिनिटी जे ज़ीरो पी एक्स साइन ए एक्स, और यहाँ पे आ गया क्या, डी एक्स। और जो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स क्या होता है, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। अब हमको क्या है कि साइन ए एक्स के लिए चाहिए यहाँ पे, तो साइन ए एक्स के लिए हमें इमेजनरी पार्ट लेना पड़ेगा, और वो भी किस में है, माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ए एक्स जे नॉट पी एक्स, और यहाँ पर आ गया डी एक्स। तो ये कितना हो गया, माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ, ये हो गया कितना, वन अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन रूट पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर हम इसको जैसे कंडीशंस में डिनोट करने की बात करें तो वो हो जाएगा क्या, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और ये बन गया अपना ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कब होगा, जब पी का मान ए से क्या होगा, छोटा होगा। अगर पी का मान हम ए से बड़ा ले लें तो यहाँ पे फिर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो ये हो गया वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कब होगा, जब पी हमारा जीरो और ए के मध्य में इसकी लिमिट होंगी, और जीरो कब होगा, जब पी क्या होगा, ए से बड़ा, ग्रेटर देन ए, पी इज़ ग्रेटर देन ए। अब पी अगर ए से बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हमने कर लिया जीरो। तो बताओ दोनों समझ में आए या नहीं, एक तो कॉस ए एक्स अपॉन एक्स, एक साइन ए एक्स अपॉन एक्स। अगर लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, थैंक यू।